कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। कृष्ण नाम की महिमा पूरी दुनिया जानती है। देवकी के पुत्र, यशोदा के लाडले, राधा के प्रेमी, रुक्मिणी के पति, अर्जुन के सखा, भक्तों के भगवान, कृष्ण के अनगिनत स्वरूप है। लेकिन वासुदेव कृष्ण के अलावा भी तीन और कृष्ण थे। क्या आप उनको जानते हैं? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन तीनों में से दो कृष्ण आज भी जीवित हैं। इसमें से एक की तो पूजा भी होती है। आज मैं आपको बताती हूँ बाकी के तीन कृष्ण के बारे में। महाभारत काल में यशोदा नंदन कृष्ण से भी पहले एक कृष्ण हुए थे, जो कि संपूर्ण महाभारत की धुरी बने। समस्त कौरव और पांडव उनके ही वंशज थे। वो थे कृष्ण द्वीपायन, यानी महर्षि वेदव्यास। उन्होंने ही महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की थी। महर्षि वेदव्यास का असली नाम श्री कृष्ण द्वीपायन था। इस संबंध में कथा यह है कि महर्षि वेदव्यास का रंग सांवला था और उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था, इसीलिए उनका नाम कृष्ण द्वीपायन पड़ गया। वो सत्यवती और ऋषि पराशर के पुत्र थे। उनके अंश से ही धृतराष्ट्र और पांडु उत्पन्न हुए हैं, जिनसे कौरव और पांडव हुए। महर्षि वेदव्यास ने कई प्राचीन ग्रंथों का भाष्य किया और पूरे महाभारत को लिपिबद्ध किया। परम ज्ञानी वेदव्यास को अजर अमर माना जाता है। दुनिया के सात चिरंजीवियों में उनका नाम आता है। वो इस कली काल में भी गुप्त स्थान पर तपस्या कर रहे हैं। कृष्ण द्वीपायन यानी वेदव्यास की प्रतिष्ठा इतनी ज़्यादा है कि आज भी जिस आसन पर बैठकर संत या कथावाचक भक्तों को प्रवचन देते हैं या भागवत कथा सुनाते हैं, उस आसन को व्यासपीठ कहते हैं। और आइए अब आपको दूसरे कृष्ण के बारे में बताते हैं। वो था कृष्ण पौंड्रिक। वो भगवान कृष्ण का समकालीन और पुंड्र देश का राजा था, जिसे पौंड्रिक के नाम से जाना जाता था। चेदी देश में वो पुरुषोत्तम नाम से विख्यात था। पौंड्रिक के पिता का नाम भी वसुदेव था, इसीलिए वो खुद को वासुदेव कहता था। उसके मूर्ख और चापुल मित्रों ने भी उसे यह बता दिया था कि असल में वही भगवान विष्णु का अवतार है, वही असली कृष्ण है। यह बात उसके दिमाग में इतनी घर कर गई थी और उसने भगवान श्री कृष्ण की तरह ही अपना रंग और रूप बना लिया था। कृष्ण पौंड्रिक ने भगवान श्री कृष्ण की तरह ही नकली चक्र, शंख, तलवार और मुकुट, कौस्तुभ मणि और पीला वस्त्र धारण कर लिया और अहंकारवश उसने भगवान कृष्ण को ही चुनौती दे दी थी, जिसकी वजह से बाद में श्री कृष्ण ने उस नकली कृष्ण का वध कर दिया था। तीसरे कृष्ण को आज देवता की तरह पूजा जाता है और भक्त उन्हें श्याम बाबा के नाम से जानते हैं। वो थे भीमसेन के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरिक, जिन्होंने हारे का सहारा बनने की कसम खाई थी और भगवान कृष्ण को अपने शीश का दान दे दिया था। राजस्थान के सीकर में उनका जागृत पीठ मौजूद है। भगवान कृष्ण ने उन्हें अपना स्वरूप और नाम प्रदान किया है। वो संसार के जागृत देवता हैं
और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो यह थी भगवान कृष्ण के अतिरिक्त तीन और कृष्ण की गाथा। मुझे उम्मीद है कि ये रोचक जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए उदय इंडिया डिजिटल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।